अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हतीम टेक न्यूज। मैं हूं अब्दुल मतीन और आज की वीडियो में कंपैरिजन करूंगा वीवो S1 का रियलमी 3 प्रो के साथ। रियलमी 3 प्रो का 6GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट है, क्योंकि वीवो S1 भी 6GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट है, तो दोनों डिवाइस का सेम वेरिएंट लिया है मैंने ताकि कंपैरिजन सही से हो सके और यहाँ पे हम परफॉर्मेंस को सही से कंपैरिजन कर सकें। देखें परफॉर्मेंस में बेस्ट डिवाइस कौन सी है। वीवो S1 की प्राइस रखी गई है 50,000 रुपये पाकिस्तान में, जबकि रियलमी 3 प्रो 6GB रोम के वेरिएंट की प्राइस है 40,000 रुपये, तो 10,000 रुपये का फर्क है, जो कि एक बड़ा फर्क है इन दोनों की प्राइस के अंदर। तो हम यहाँ पे इसलिए कंपैरिजन करने वाले हैं ताकि आपको बेहतर ऑप्शन दे सकेंगे कौन सी डिवाइस आप बाय करें। यहाँ पे वीवो S1 के अंदर मीडियाटेक Helio P65 की चिपसेट लगाई गई है, जबकि रियलमी 3 प्रो के अंदर Snapdragon 7110 की चिपसेट है। दोनों चिपसेट अपनी प्राइस के अंदर बेहतरीन चिपसेट हैं, तो अब यहाँ पे बेंचमार्क स्कोर भी करेंगे, बेंचमार्क स्कोर टेस्ट करेंगे, परफॉर्मेंस कंपैरिजन करेंगे, कैमरा कंपैरिजन करेंगे, गेमिंग टेस्ट करेंगे, दोनों डिवाइस के अंदर पबजी चला के देखूंगा किस में बेहतरीन पबजी चलती है। तो स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि इसी तरह की मजीद वीडियो से अपडेट रह सकें। स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन। सबसे पहले इन दोनों डिवाइस से कलर कंपैरिजन बता देता हूं। दोनों डिवाइस के अंदर कलर कौन से अवेलेबल है पाकिस्तान में। वीवो S1 के अंदर दो कलर्स अवेलेबल हैं, एक स्काई ब्लाइन ब्लू कलर है जो कि भी मेरे पास है, दूसरा डायमंड ब्लैक कलर है। इसी तरह रियलमी 3 प्रो के अंदर तीन कलर्स अवेलेबल हैं पाकिस्तान में, कार्बन ग्रे कलर है, दूसरा निट्रो ब्लू कलर है जो मेरे पास है निट्रो ब्लू कलर, और तीसरा लाइटनिंग पर्पल कलर है। तो ये कलर्स हैं दोनों डिवाइस के अंदर पाकिस्तान में जो अवेलेबल हैं। अब हम इन दोनों डिवाइस के डिजाइन डिस्प्ले और बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं और देखते हैं डिजाइन डिस्प्ले और बिल्ड क्वालिटी के अंदर डिवाइस कौन सी ज्यादा अच्छी होने वाली। सबसे पहले मैं यहाँ दोनों डिवाइस की ब्राइटनेस चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इसकी भी ब्राइटनेस फुल की हुई है रियलमी 3 प्रो की, इसी तरह यहाँ पे हम देख लेते हैं यहाँ पे ब्राइटनेस भी फुल है वीवो की भी। तो दोनों डिवाइस की ब्राइटनेस फुल है और दोनों डिवाइस की अब डिस्प्ले पे बात करते हैं। यहाँ पे वीवो S1 के ना जो डिस्प्ले साइज हमें मिल रहा है वो 6.3 इंच का डिस्प्ले साइज मिल रहा है, जबकि रियलमी 3 प्रो के अंदर 6.3 इंच का डिस्प्ले साइज मिल रहा है, तो इतना ज्यादा फर्क नहीं है दोनों डिस्प्ले साइज के अंदर। दोनों डिवाइस के अंदर डिस्प्ले साइज सेम मिल रहे हैं और यहाँ पर दोनों डिवाइस के अंदर वाटर ड्रॉप नॉच मिल रही है। वीवो उसको कहता है ड्यू ड्रॉप नॉच या हॉलो फुल व्यू डिस्प्ले, जबकि रियलमी से कहता है वाटर ड्रॉप नॉच। तो दोनों डिवाइस के अंदर यहाँ पे वाटर ड्रॉप नॉच या ड्यू ड्रॉप नॉच कह लें, यहाँ पे आपको स्मॉल नॉच मिलेगी दोनों डिवाइस के अंदर, और यहाँ पर दोनों डिवाइस के अंदर फुल HD+ डिस्प्ले लगाया गया है यहाँ पे। लेकिन वीवो के अंदर अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे सुपर अमोल्ड डिस्प्ले मिल रहा है वीवो S1 में, जबकि रियलमी 3 प्रो के अंदर हमें IPS LCD मिल रही है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मेन डिफरेंस इन दोनों डिवाइस के अंदर डिस्प्ले में मिलने वाला है वो यहाँ पे सुपर अमोल्ड डिस्प्ले मिल रहा है और यहाँ पे हमें मिल रहा है IPS LCD। तो यहाँ पे डिस्प्ले में काफी फर्क भी नजर आ रहा है, देख सकते हैं कितना ब्राइट डिस्प्ले है वीवो S1 का और यहाँ पे थोड़ा सा डल कलर्स हैं रियलमी 3 प्रो के। रेजोल्यूशन दोनों डिवाइस का सेम मिल रहा है 1080x2340 पिक्सल्स का दोनों डिवाइस के अंदर रेजोल्यूशन लगाया गया है। दोनों डिवाइस फुल HD+ है। पिक्सल डेंसिटी में भी इतना ज़्यादा फर्क नहीं है, वीवो S1 की 404 PPI की पिक्सल डेंसिटी है, जबकि रियलमी 3 प्रो की 409 PPI की पिक्सल डेंसिटी है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी तकरीबन सेम है, 83.1% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिल रहा है दोनों डिवाइस के अंदर। और दोनों डिवाइस के बेजल्स यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों डिवाइस के बेजल्स ना होने के बराबर हैं, बहुत कम है। और चिन यहाँ पे वीवो S1 की थोड़ी सी ज़्यादा है, जबकि यहाँ पे उतनी ही चिन यहाँ पे हमें रियलमी 3 प्रो के अंदर भी मिल रही है। तो बेजल्स और चिन दोनों डिवाइस के अंदर सेम मिल रही हैं। एस्पेक्ट रेशियो भी दोनों डिवाइस में सेम है, 19.5:9 का एस्पेक्ट रेशियो मिला है दोनों डिवाइस के अंदर। और दोनों डिवाइस की बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो दोनों डिवाइस प्लास्टिक की बिल्ड है, दोनों डिवाइस की प्लास्टिक मटेरियल यूज हुआ है। लेकिन यहाँ पर रियलमी 3 प्रो के अंदर जो हमें प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 मिल रहा है, रियलमी 3 प्रो के अंदर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 मिल रहा है, जबकि वीवो S1 के अंदर ऐसी कोई चीज मेंशन नहीं हुई है यहाँ पे हमें कौन सा ग्लास मिलने वाला है। तो ये था इन दोनों डिवाइस का डिजाइन बिल्ड क्वालिटी और डिस्प्ले। अब हम इन दोनों डिवाइस का कैमरा कंपैरिजन करते हैं और कैमरे पे बात कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे इन दोनों डिवाइस के कैमरे डिस्कस कर लेते हैं, रियलमी 3 प्रो में और वीवो S1 के अंदर। फ्रंट पे जो लगाया गया है कैमरा उसमें फर्क है यहाँ पे। वीवो S1 के अंदर फ्रंट पे 32 MP कैमरा लगाया गया है F2.0 अपर्चर के साथ, और वीवो S1 का काफी हाइलाइटेड फीचर है यहाँ पे S4 सेल्फीज इन्होंने मेंशन किया है, तो 32 MP का सेल्फी कैमरा लगाया गया है, जबकि रियलमी 3 प्रो के अंदर 25 MP कैमरा मिल रहा है F2.0 पर्चर के साथ। तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं है, वीवो S1 में 32 MP है, इसमें 25 MP है। इनका कैमरा कंपेरिजन भी करते हैं, लेकिन इससे पहले बैक कैमरे की बात करें तो दोनों डिवाइस के अंदर वीवो S1 के अंदर ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल रहा है, जबकि रियलमी 3 प्रो के अंदर डुअल कैमरा सेटअप है। तो यहाँ पे ये मेन फर्क दिखेगा दोनों डिवाइस के अंदर बैक कैमरे पे। वीवो S1 में जो ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल रहा है इसमें मेन कैमरा 16 MP का मिल रहा है F1.7 अपर्चर के साथ, दूसरा कैमरा 8 MP का मिल रहा है, अल्ट्रा वाइड कैमरा लगाया गया है F2.2 अपर्चर के साथ, और तीसरा कैमरा 2 MP का डेप्थ सेंसर लगाया गया है F2.4 अपर्चर के साथ। इसी तरह रियलमी 3 प्रो के बैक कैमरे की बात कर लेते हैं, यहाँ पे डुअल कैमरा सेटअप है, मेन कैमरा 16 MP का है F1.7 अपर्चर के साथ,
जबकि दूसरा कैमरा 5 मेगापिक्सल का है, डेप्थ सेंसर लगाया गया है f2.5 और अपर्चर के साथ। तो यहाँ पे सर मेन फर्क सर इस कैमरे का है जो कि वाइड एंगल नहीं मिल रहा है यहाँ पे Realme 3 Pro के अंदर, बाकी दोनों कैमरे सेम मिल रहे हैं। बाकी यहाँ पे डेप्थ सेंसर ज्यादा अच्छा मिल रहा है, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, यहाँ पे 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, लेकिन सिर्फ फर्क होगा यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं लगाया गया Realme 3 Pro के अंदर। अब इन दोनों का कैमरा रिजल्ट कैसा है, कैमरे की कुछ पिक्चर्स शेयर करता हूँ आपके साथ जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। दोनों की डिवाइस के फ्रंट कैमरे की और बैक कैमरे की चली गई पिक्चर्स। अब हम इन दोनों डिवाइस की परफॉर्मेंस डिस्कस करते हैं। परफॉर्मेंस दोनों डिवाइस की मेन चीजें हैं क्योंकि यहाँ पे मीडियाटेक हीलियो P65 मिल रही है वीवो S7 में, यहाँ पे स्नैपड्रैगन 710 मिल रही है और ये जो चिपसेट है मीडियाटेक की हीलियो P65 की है, इस डिवाइस के अंदर पहली चिपसेट लगकर आई है। तो सबसे पहले इन दोनों डिवाइस के यहाँ पे चिपसेट के बारे में आपको बता देता हूँ। मीडियाटेक हीलियो P65 जैसे मैंने बताया S1 में लगाई गई है, Realme 3 Pro के अंदर स्नैपड्रैगन 710 लगाई गई है, यहाँ पे GPU मिल रहा है 616 एंड्रीनो 616 का GPU मिल रहा है, जबकि Vivo S1 के अंदर Mali G72 MP3 का GPU मिल रहा है। दोनों डिवाइस के वेरिएंट सेम है, 6GB रैम है दोनों डिवाइस के अंदर, दोनों डिवाइस में 128GB की हमें यहाँ पे स्टोरेज मिलने वाली है और दोनों डिवाइस के अंदर डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड की स्लॉट मिल रही है, यानी 3 कार्ड स्लॉट लगाई गई है। यहाँ पे इन दोनों डिवाइस के अंदर आप 2 सिम्स और एक मेमोरी कार्ड एक साथ लगा सकते हैं, डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड की अलग से स्लॉट मिल रही है। इसी तरह हम दोनों डिवाइस के बेंचमार्क स्कोर्स भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको दोनों डिवाइस के अंदर N22 के बेंचमार्क स्कोर्स दिखा देता हूँ, जो मैंने N22 की बेंचमार्क एप्लीकेशन चेक किए हैं। ये आ गए दोनों के बेंचमार्क स्कोर्स। Vivo S1 का स्कोर है N22 का स्कोर 1,44,494 यानी 1,44,494, जबकि Realme 3 Pro का स्कोर है 1,55,771। तो यहाँ पे देख सकते हैं Realme 3 Pro काफी ज्यादा आगे है बेंचमार्क स्कोर्स में, अगर हम देखें तो Vivo S1 से काफी आगे है 1,55,771 स्नैपड्रैगन 710 की वजह से है। यहाँ पे मीडियाटेक हीलियो P65 है, अच्छी चिपसेट है, लेकिन यहाँ पे फिर भी इससे कम स्कोर दिया है, 10,000 का यहाँ पे फर्क है। इन दोनों की प्राइस के अंदर भी 10,000 रुपए का ही फर्क है और स्कोर्स के अंदर भी 10,000 का यहाँ पे फर्क आ रहा है। तो इसी तरह हम यहाँ पे देख लेते हैं इसके Geekbench के स्कोर्स। Geekbench के मैंने भी चेक कर लिए हैं स्कोर्स, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ दोनों डिवाइस के Geekbench स्कोर्स आ गए हैं। Vivo S7 का सिंगल कोर स्कोर है 1824, मल्टी कोर स्कोर है 6027, जबकि Realme 3 Pro का सिंगल कोर स्कोर है 1472 और मल्टी कोर स्कोर है 5822। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो आगे है वो Vivo S1 है Geekbench के अंदर, जबकि N22 में Realme 3 Pro आगे था। यहाँ पे Geekbench में Realme 3 Pro थोड़ा सा पीछे है, लेकिन इतना ज्यादा फर्क नहीं है। आप देख सकते हैं दोनों स्कोर्स का अगर देखें तो इतना ज्यादा फर्क नहीं है। तो यहाँ पे हमने देख लिया यहाँ पे दोनों स्कोर्स के अंदर इतना फर्क नहीं मिल रहा था। अब हम इन दोनों डिवाइस की कुछ यहाँ पे परफॉर्मेंस टेस्ट कर लेते हैं। दोनों डिवाइस के अंदर मैंने पब्जी भी इंस्टॉल कर लिया है, लेकिन पब्जी के लिए मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, उससे पहले मैं आपको कुछ एप्लीकेशन ऑन करने की स्पीड दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं सबवे सर्फर ऑन कर लेता हूँ दोनों डिवाइस के अंदर और देखते हैं पहले कौन सी डिवाइस लॉन्च करती है, Vivo S1 या Realme 3 Pro। दोनों डिवाइस लोडिंग हो रही है अभी। और यहाँ पे बहुत कम फर्क था, 19-20 का फर्क आप कह सकते हैं। Realme 3 Pro ने पहले लॉन्च किया, उसके बाद Vivo S1 ने लॉन्च किया, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत फर्क था लॉन्चिंग का, लेकिन आप यहाँ पे ग्राफिक में फर्क देख सकते हैं। यहाँ पे कितना ज्यादा डिस्प्ले में फर्क नजर आ रहा है, Vivo S1 का डिस्प्ले यहाँ पे मुझे काफी अच्छा लग रहा है, शार्प डिस्प्ले है कितना। और मैं थोड़ा सा यहाँ देख लेता हूँ, लेगिंग वगैरह तो नहीं है, लेकिन इसमें लेगिंग होगी भी नहीं है, तो बहुत छोटा सा गेम है। उसके अलावा हम यहाँ पबजी में लेगिंग वगैरह चेक करेंगे। और यहाँ पे मेरे पास दोनों डिवाइस के अंदर टिकटॉक है, यहाँ ये चेक कर लेते हैं पहले कौन सी डिवाइस ऑन करती है। यहाँ पे भी Realme 3 Pro ने पहले लॉन्च कर दिया है इसको, जबकि Vivo S1 ने काफ़ी लेट लॉन्च किया है। तो सोशल मीडिया के एप्लीकेशन के मुताबिक भी यहाँ पे Realme 3 Pro आगे था। और हम देखते हैं फेसबुक है दोनों डिवाइस में मेरे पास, फेसबुक चेक कर लेते हैं। यहाँ पे भी Realme 3 Pro ने कितना जल्दी लॉन्च कर दिया है, Vivo S1 ने काफ़ी लेट लॉन्च किया है, तो Realme 3 Pro यहाँ पे भी आगे रहा। अभी हम देखते हैं कोई और एप्लीकेशन मेरे पास जो दोनों डिवाइस के अंदर हो। अब यहाँ पे हम कुछ फ़ोन की एप्लीकेशन देख लेते हैं, डायलर ऑन कर लेते हैं सबसे पहले। डायलर में भी इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, दोनों डिवाइस ने सेम लॉन्च किया है। मैसेजेस देख लेते हैं, मैसेजेस भी तकरीबन सेम वक्त में लॉन्च हुआ है। यहाँ पे हमारे पास ब्राउज़र है, यहाँ पे मेरे पास क्रोम है दोनों डिवाइस के अंदर। क्रोम भी Realme 3 Pro ने पहले लॉन्च किया है, उसके बाद Vivo S1 ने लॉन्च किया है। और सेटिंग देख लेते हैं, सेटिंग में भी इतना फर्क नहीं है, दोनों तकरीबन सेम वक्त में लॉन्च हुए हैं। तो यहाँ पे अगर एप्लीकेशन ऑन करने की स्पीड देखी जाए तो Realme 3 Pro आगे था, बेंचमार्क स्कोर में भी Realme 3 Pro आगे था। अब हम दोनों डिवाइस के अंदर पबजी का गेम टेस्ट कर लेते हैं, पबजी एक्सपीरियंस करते हैं और देखते हैं पबजी की डिवाइस में एक्सपीरियंस कौन सी डिवाइस आगे रहती है दोनों में से।
और दोनों डिवाइस ने यहाँ पे पबजी लॉन्च कर दिया है और तकरीबन सेम वक्त में लॉन्च किया है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं था। रियलमी 3 प्रो बस थोड़ा सा आगे था। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ कि दोनों डिवाइस जो ऑटो सेलेक्ट करती हैं ग्राफिक, वहाँ पे भी काफ़ी फ़र्क है। यहाँ पे रियलमी 3 प्रो ने जो सेलेक्ट किया है, रियलमी 3 प्रो ने जो ऑटो सेलेक्ट किया है वो हाई ग्राफिक सेलेक्ट की है, जबकि वीवो S1 ने जो ऑटो सेलेक्ट की है वो मीडियम सेलेक्ट की है। तो ये जो ऑटो सेलेक्ट करते हैं ये फ़ोन की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, फ़ोन में ग्राफिक के हिसाब से सेलेक्ट करती हैं। पबजी ऑटो सेलेक्ट करता है, तो पबजी ने रियलमी 3 प्रो के अंदर हाई ग्राफिक सेलेक्ट की हैं जबकि वीवो S1 के अंदर मीडियम ग्राफिक सेलेक्ट की हैं। तो ये एक बड़ा फ़र्क है दोनों डिवाइस के अंदर। अब हम यहाँ पे गेम ऑन कर लेते हैं दोनों डिवाइस में और थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लेते हैं पबजी का भी। और यहाँ पर दोनों डिवाइस ने लॉन्च कर दिया गेम, हम देखते हैं। ये वीवो S1 थोड़ा सा अटका था, मैं दोबारा देखता हूँ। ये नीचे वाली साइड मेरे पास रियलमी 3 प्रो है और ऊपर वाली साइड में यहाँ पे वीवो S1 है। वीवो S1 थोड़ा सा हैंग कर रहा था लेकिन अभी स्मूथ चल रहा है। रियलमी 3 प्रो भी स्मूथ चल रहा है। यहाँ पे हम दोनों डिवाइस के अंदर लैंड कर चुके हैं प्लेन से, तो अब मैं यहाँ पे देखता हूँ रियलमी 3 प्रो में देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्राफिक है। वीवो S1 भी अच्छी है लेकिन ज़्यादा अच्छी मुझे रियलमी 3 प्रो की लग रही है। आ गया एक बोर्ड हमारे पास, तो यहाँ पे मैंने मार दिया उसको हाथों से। और ग्राफिक में अगर गेमिंग की एक्सपीरियंस की बात करूँ दोनों डिवाइस में अच्छी चल रही है। पबजी अगर आप खेलने के शौकीन हैं तो दोनों डिवाइस में अच्छी चल सकती है, लेकिन ज़्यादा अच्छी जो मुझे लग रही है वो रियलमी 3 प्रो के अंदर लग रही है। अब हम देखते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन कौन सी डिवाइस ने किस स्टोर की हुई है बैकग्राउंड पे, दोनों डिवाइस के अंदर चेक कर लेता हूँ यहाँ पे और एक साथ में देखता हूँ कोई पीछे की एप्लीकेशन चलाते हैं। तो यहाँ पे है मेरे पास सबवे सर्फर है यहाँ पे और यहाँ पे भी, दोनों डिवाइस के अंदर सबवे सर्फर चेक करते हैं। दोनों डिवाइस में अभी तक रन कर रहा है और कुछ देख लेते हैं और पीछे जाते हैं अगर, तो यहाँ पे है मेरे पास N22, यहाँ पे भी होगा N22, ये रहा दोनों डिवाइस में। तो Vivo S1 ने यहाँ पे देख सकते हैं बैकग्राउंड से ख़त्म कर दिया था, उसको दोबारा लॉन्च किया है जबकि Realme 3 Pro के बैकग्राउंड में सेफ थी, में इसकी मेमोरी में ही है। तो यहाँ पे Realme 3 Pro आगे रहा। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों डिवाइस के अंदर देख लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा मिल रहा है और बैटरी की बात करेंगे। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बता देता हूँ आपको इन दोनों डिवाइस के अंदर। यहाँ पे Vivo S1 के अंदर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 9 Pie मिल रहा है, एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम लेटेस्ट मिल रहा है, एंड्रॉइड 9 Pie का ऑपरेटिंग सिस्टम लगाया गया है यहाँ देख सकते हैं। जबकि Realme 3 Pro के अंदर भी एंड्रॉइड का वर्जन एंड्रॉइड 9 Pie मिल रहा है। तो दोनों डिवाइस के अंदर एंड्रॉइड 9 Pie का ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा है, लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी तरह इन दोनों डिवाइस के जो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी बात कर लेते हैं। Vivo S1 के अंदर जो फ्रंट टच ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी 9 मिल रहा है, फ्रंट टच ऑपरेटिंग सिस्टम 9 का वर्जन है। Vivo का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है और लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी तरह Realme 3 Pro के अंदर जो कलर ऑपरेटिंग सिस्टम है Realme का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम वो हमें मिल रहा है वर्जन 6, ये भी Realme का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वाइज दोनों डिवाइस लेटेस्ट होने वाली हैं। इसी तरह बैटरी डिस्कस करते हैं दोनों डिवाइस की। Vivo S1 के अंदर लगाई गई है 4500 mAh की बैटरी जो कि 18 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। Vivo की अपनी ये टेक्नोलॉजी है डुअल इंजन फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी, जबकि Realme 3 Pro के अंदर हमें मिल रही है 4045 mAh की बैटरी और ये भी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। यहाँ पे Woof 3.0 की हमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलने वाली है। Oppo की जो टेक्नोलॉजी है Woof 3.0 की फास्ट चार्जिंग मिलने वाली है। यहाँ पर 18 वॉट की हमें AI डुअल इंजन फास्ट टेक्नोलॉजी मिलने वाली है। दोनों डिवाइस के अंदर फास्ट टेक्नोलॉजी हमें मिलने वाली है और दोनों डिवाइस के अंदर माइक्रो USB कनेक्टिविटी मिलने वाली है चार्जिंग के लिए। यहाँ पे इन दोनों डिवाइस के अंदर एक फर्क और है, यहाँ पे Vivo S1 के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहा है जबकि Realme 3 Pro के अंदर बैक साइड पे फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहा है। तो यहाँ पे दोनों डिवाइस की फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड भी चेक कर लेते हैं। मैंने दोनों डिवाइस के अंदर अपनी फिंगर इनरोल कर ली है, यहाँ पे मैंने इसकी बैक साइड पे अपनी यहाँ फिंगर इनरोल की है और यहाँ पे थंब इनरोल कर लिया है। चेक करते हैं कौन सी डिवाइस फास्ट है। यहाँ पे मैं लगाऊंगा फिंगर अपने और यहाँ लगाऊंगा थंब, तकरीबन सेम वक्त में लॉन्च किया है। दोबारा चेक करते हैं दोनों का स्पीड तकरीबन मुझे सेम लग रही है, इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। तो यहाँ पे दोबारा एक सवाल लॉन्च किया है, इतना ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों डिवाइस के अंदर। बस फर्क है यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है, यहाँ पे बैक साइड पे फिंगरप्रिंट है, स्पीड दोनों की सेम है। तो ये था डिटेल कंपैरिजन Realme 3 Pro का Vivo S1 के साथ। वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और आपको कौन सी डिवाइस अच्छी लगी इन दोनों में से, आप किसको प्रेफर करेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे। मेरी पर्सनल राय पूछते हैं तो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी Realme 3 Pro, क्योंकि Realme 3 Pro की यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी थी, हमने देखा Snapdragon 710 की यहाँ पे बेंचमार्क स्कोर्स भी अच्छे थे, एप्लीकेशन ऑन करने की स्पीड में भी आगे था। इसके अलावा PUBG अगर हम देखें तो PUBG के अंदर भी हाई ग्राफिक्स सिलेक्ट हुई, वहाँ पे भी लैगिंग वगैरह नहीं मिली हमें। कैमराज भी Realme 3 Pro का नज़ारा अच्छा था Vivo S1 के मुकाबले में, तो इसलिए मैं प्रेफर करूँगा Realme 3 Pro को। प्राइस के अंदर भी इतना बड़ा डिफरेंस है, Realme 3 Pro 40,000 और Vivo S1 50,000 रुपीज़। यहाँ पे अगर सिर्फ एक फ़र्क है, यहाँ पे हमें डिस्प्ले अच्छा मिल रहा है और यहाँ पे हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहा है, तो मैं इतना ज़्यादा इसको प्रेफर नहीं करता इन डिस्प्ले की वजह से। मैं सिर्फ एक डिवाइस के अंदर 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दूँ तो मैं यहाँ पे प्रेफर करूँगा Realme 3 Pro को। आप अगर बाय करना चाहते हैं दोनों डिवाइस में से बेहतरीन ऑप्शन चाहते हैं तो Realme 3 Pro को बाय कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि इसी तरह की मजीद वीडियो से अपडेट रह सकें। अल्लाह हाफिज़।